आज के वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं यानी मिलते हैं आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर किसमें, ऑर्गेनिज्म में, इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जब गैमीट का फ्यूजन बॉडी के अंदर ना हो करके बाहर हो रहा हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का बाहर हो रहा है। जैसे हम कह दें कि ह्यूमन में मान लेते हैं कि जो गैमीट है मेल का स्पर्म है और फीमेल का है जो ओवम है, वो तो जनरली ह्यूमन में इंटरनली होता है फर्टिलाइजेशन। बट मान ले अगर ये बाहर मिल जाए दोनों गैमीट, तो उसको हम कहेंगे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो एग्जाम्पल पे जानते हैं कि अ मेजोरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज एम्फीबियन, इनमें क्या मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादातर जो एल्गीज हैं और जो फिशेज हैं और जो एम्फीबियन है, एल्गी मतलब शैवाल, काई इसको कहते हैं, मछलियाँ फिशेज, और एम्फीबियन मतलब ऐसे एनिमल जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक की बात करें, तो इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्या करते हैं फिशेज जो एम्फीबियन हैं सभी, ये अपने मेल एंड फीमेल गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं वाटर में, और वाटर के थ्रू बहते बहते आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। नेक्स्ट है, सच एनिमल्स रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन टू द सराउंडिंग्स एक्वेटिक मीडियम इन ऑर्डर टू इंश्योर एंड इन्हेंस द चांसेस ऑफ सिनगैमिंग। अब इसमें एक खास बात और है कि ये जो एनिमल्स हैं इस टाइप के, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही संख्या में गैमेट्स को रिलीज करते हैं अपने चारों ओर एक्वेटिक मीडियम में, जो पानी का मीडियम है वहाँ पर, उसमें रिलीज करते हैं। ऑर्डर टू इंश्योर, किस लिए, वो इंश्योर होने के लिए, सुनिश्चित होने के लिए, एंड इन्हेंस द चांसेस ऑफ सिनगैमी, कि सिनगैमी हो ही जाए। सिनगैमी का मतलब होता है गैमिट्स का मिलना, फ्यूज़न होना आपस में, तो फ्यूज़न को ही सिनगैमी कहते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गैमिट्स को रिलीज़ करते हैं ताकि फ्यूज़न हो ही जाए। अगर मान लीजिए कि फ्रॉग एक ही गैमिट को निकालेगा, अब वाटर में वो जा करके उसको फीमेल गैमिट से मिलना है, तो अब एक सिंगल पता नहीं कहाँ चला है, मैच हो कि ना हो, इसलिए बहुत सारे लार्ज अमाउंट में रिलीज़ करते हैं कि कोई ना कोई तो गैमेट्स जो है मेल गैमेट फीमेल के साथ, या फीमेल गैमेट मेल के साथ जो है फ्यूज़न कर लेंगे, सिनगैमी कर लेंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसी तरह से होता है, वाटर में पाए जाने वाले ज़्यादातर एनिमल्स में मिलता है, ह्यूमन में इंटरनली होता है।